दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियन नहीं है, बेईमान है वेस्ट इंडीज की टीम। दरअसल एम्पायर्स के साथ मिली भगत से उन्होंने टीम इंडिया को 5वें T20 में धूल चटाई है और जैसे ही यह सच्चाई सामने आई पूरे क्रिकेट जगत में मानो भूचाल आ गया है। आखिर कौन सा था वह लम्हा जब टीम इंडिया की आंखों में झोंकी गई धूल? कैसे एम्पायर और कैरेबियाई टीम ने बनाया टीम इंडिया को रोकने का सटीक मास्टर प्लान? बेईमानी के लम्हों का सबूत के साथ पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया के शर्मनाक शिकस्त का सबसे बड़ा विलन कौन है? हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल या फिर अंपायर के गलत फैसले? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया की जीत हमेशा ही बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। जब हमने टेस्ट मैचों के साथ साथ वनडे में वेस्ट इंडीज को उन्हीं की सरजमीन पर चारों खाने चित्त किया तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा था और टीम इंडिया को लोहा एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जैसे ही T20 सीरीज में भारत को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया में एक बार फिर से बवाल मच गया है। और आखिर हो भी क्यों ना, भारतीय क्रिकेट ही है जो इस समय पूरी दुनिया में क्रिकेट जगत को लीड कर रहा है। भारत के बिना ICC भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे में इंडिया की शर्मनाक हार के बाद पूरे क्रिकेट जगत में आंधी आई है और तरह तरह के सवाल भी उससे शुरू हो चुके हैं। दरअसल पहले दो T20 मुकाबलों में भारत के युवा टैलेंट को वेस्ट इंडीज ने बड़ी आसानी से परास्त कर दिया। हालांकि अगले दो मैचों में टीम इंडिया ने भी उनके बड़े बड़े सितारों के दांत खट्टे कर दिए। सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने उनके गेंदबाजों को जमकर धोया और फिर चौथे T20 मुकाबले में यशस्वी और गिल की आंधी में वहीं कहीं भी नहीं रह पाए, जिसकी बदौलत यह सीरीज 2-2 से बराबरी पर आकर खड़ी हुई। और उनकी दमदार परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लगने लगा कि वेस्ट इंडीज में अब दम नहीं है कि वे हमें 5वें T20 में रोक पाएंगे। लेकिन जिसकी कभी उम्मीद न की गई हो वो चीज़ें हमें सबसे अधिक दर्द दे जाती हैं। हमारी इस गलतफहमी का बुलबुला 5वें T20 में ध्वस्त हो गया, जहाँ टीम इंडिया के सितारों सजा बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। गिल, यशस्वी से लेकर संजू सैमसन, यहाँ तक कि तिलक वर्मा भी कुछ नहीं कर पाए। और किसने सोचा था कि अब भारतीय टीम 100 रन बना पाएगी? लेकिन सलाम है सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने लोन वॉरियर की तरह गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर उन्होंने भारतीय टीम को 165 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन विक्ट्री सील करने के लिए इतना ही काफी नहीं था। वेस्ट इंडीज के सिर पर फून सवार था, खासतौर पर निकोलस पूरन और ब्रेंडन किंग का। इन दोनों ने तो भारत के बच्चों पर रहम करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। इसके बाद हमें केवल चौके छक्कों की आंधी देखने को मिली, जहां किंग ने टीम इंडिया को उम्मीदों को तहस नहस करते हुए महज 55 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्कों की बदौलत 85 रन ठोक डाले। तो निकोलस पूरन ने 47 रन बनाकर हमारी टीम को न केवल हवा किया बल्कि 3-2 से हमें T20 सीरीज में जौन कर पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि भारतीय सितारों ने हमारी नाक कटवा दी है। इस दौरान कुछ ऐसी खबर निकल कर आई जिसने 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में आग लगा दी। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल वेस्ट इंडीज ने चैंपियन की तरह नहीं बल्कि बेईमानी करके टीम इंडिया को हराने में कामयाबी पाई है। शुभमन गिल अखिल हुसैन की फिरकी गेंद का शिकार हुए और उनके पैड पर लगी अंपायर ने उनको आउट करा दिया। लेकिन जब बड़े स्क्रीन पर चेक किया गया तो शुभमन गिल नॉट आउट थे, यानी कि अंपायर ने टीम इंडिया की मासूमियत का बखूबी फायदा उठाया। गिल के पास रिव्यू लेने का भी मौका नहीं मिला और यह खिलाड़ी पवेलियन लौटने पर मजबूर हुआ। उसके बाद क्या हुआ सभी ने देखा, भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और अंत में हमें हार का मुंह देखना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, इस मुकाबले में कई दफा ऐसे लम्हे आए जब एम्पायर के फैसले वेस्ट इंडीज के पक्ष में रहे और इसका खामियाजा हर बार भारत को भुगतना पड़ा। पारी का 5वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन के खिलाफ LBW की अपील होती है, जिन्हें एम्पायर आउट दे देते हैं। लेकिन बल्लेबाज ने इस पर रिव्यू लेना जरूरी समझा और बाद में निकोलस पूरन को नॉट आउट दे दिया। लेकिन दोस्तों, LBW की अपील होने के बाद निकोलस पूरन को रनआउट भी दिया गया, पर एम्पायर ने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने रनआउट माना ही नहीं। भारतीय टीम ने काफी बहस की लेकिन अंपायर तो अपने फैसले पर अडिग थे और अंत में पूरन ने क्या किया वह हम सभी ने देखा, जिसके बाद फैंस का गुस्सा होना लाजमी था। और ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा है, अब वेस्ट इंडीज और अंपायर पर मिली भगत के साथ साथ बेईमानी के आरोप लगने भी शुरू हो गए और ICC ने अब इसके खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बेईमानी करके वेस्ट इंडीज भारत को हराने में कामयाब हो पाई है? आप इस पर क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।